नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बटाटा वड़ा बनाने सिखा रही हूँ। उसके लिए हमें सामग्री चाहिए: 200 ग्राम बेसन, मिर्ची, हल्दी, नमक, 2 कटे मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, सरसों के दाने 1 चम्मच, 10 से 15 करी लीव और ये आलू उबाल करके मैंने इसको काट लिया है। अब हम पहले फूल बनाते हैं। ये हमने इसको 4-5 मिनट फेंट लिया है। इसके ये थोड़ा सा फूल भी गया है, थोड़ी देर अब इसको रख देंगे हम। अब हम गैस स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिए हैं। पहले हम आलू बनाएंगे। इसमें ये गरम हो जाएगा, फिर उसमें हम सरसों का दाना डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, तो हम इसमें राई डाल देंगे, करी लीव डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच, मिर्ची भी डाल देंगे और ये ये हरी मिर्च हम काटने पर ये बराबर से मिल जाती है, फोड़ने पर ये बराबर मिल जाता है। बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। मैं आप नींबू का रस मिलाना चाहे तो मिला दें। ये हमारे आलू तैयार है, हम ठंडा कर लेंगे। ये आलू मैंने अलग निकाल करके इसको ठंडा कर लिया है, थोड़ा सा मैश कर लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है और इसके हम गोले बनाएंगे। बूंदी के लड्डू से थोड़ा सा बड़ा गोला, बहुत ज्यादा इसको फोड़ना नहीं है। ऐसे आप गोले बना रहे हैं। ये सारे गोले मेरे बन चुके हैं और मेरा तेल भी ये गर्म हो चुका है। अब मैं ये गोले उठाकर इसमें डिप करके इसमें डालना है। आपको और ज्यादा स्पंजी बनाना है तो आप इसमें मीठा सोडा डाल दीजिए 2 चुटकी। वैसे तेल बहुत ज्यादा सोखता है मीठा सोडा, आपको फेंटेंगे तो अपने आप ही स्पंजी बनेंगे। अभी हमारे वड़े हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। ये हमारे वड़े तैयार हैं। इसको आप हरी चटनी के साथ खाइए या मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगेंगे। अब आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।